भी खिंचवाता नहीं हूँ फिरंगियों के साथ में, तो ये सब फिरंगी है पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो मेरा बस लाइव ही चलेगा। कैसा रहा अखिलेश, कुछ बोलेगा? चलो हम बात कर लेते थोड़ा सा। Do you want to say something? Yes, it's beautiful. Yeah, beautiful building. Kelly's a good place with a lot of historic landmarks. Great time. Only been here for 2 days. Are you on here? Only 2 days. Yep. Thank you. Yeah, no worries. Which country you are from? New Zealand. New Zealand. Yep. They started New Zealand last month. Yesterday, New Zealand lost. Oh, yeah. It's alright, we'll be back in the semi-finals. I expected the New Zealand over the match. Yeah. We'll be in the semi-finals. Thank you. See you in the final. Yeah. Thank you. They are on New Zealand. Thank you. तो ये रहा सब, फिरंगी रहे थोड़ा बहुत, हम ये सॉरी न्यूजीलैंड ये फिरंगी है, रेस्पेक्टिव कंट्री है, थैंक यू। और वो थोड़ा फैट मैन दिख रहे हैं ना भाई, मेरा भी है ना अखिलेश है, कैसा रहा? मजा रहा है साथ में, ठीक है। तो कुछ बहुत एक्सपेक्टिंग कर रहा है भाई कि कैसा बना रहे, एक कैमरा खींच रहे, चलो हम लोग देखते हैं। गलत कर दिए, वहाँ पूछना चाहिए था नहीं तो मैच 20-20 तो सर जान रहे, सब जान रहे। तो और ये सब फिरंगी रहे, मजा आया भाई, कैसा रहा? अच्छा फिरंगी तो गजब कर दिया, फिरंगी नहीं था तो कैसा रहा? अच्छा रहा, देख सकते हैं बबलू फ्रंट में बना लो, और अपना बबलू एक फोटो सेल्फी खिंचवा रहा है यहाँ पे, बहुत खुश है। तो देखा यहाँ पे मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। ये देख सकते हैं हम लोग, तो आप में एक आप नहीं तो देश में मेट्रो नहीं चलता, आप ही की वजह से। ये खाली है, देख रहे हैं आप लोग, अभी खाली है। हम लोग बबलू एंट्री कर, दू को होना चुच, ये खाली है, चल बबलू, बबलू तो खुल गया, ठीक है चलो बबलू, ठीक है। बाहर हम लोग लिफ्ट से आ गए, मतलब बहुत ही शांत दिक्कत करना सामना करना पड़ा, समझ रहे हैं ना। बस हमसे बोला इसको डायरेक्शन पहले हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कहाँ से कैसे जाना है, मैं तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो हम लोग लगता है अब आ चुके हैं, आप लोग को बाहर के दिखा दे रहा हूँ। ये रहा बाहर का मेट्रो का अंदर से न बाहर की तरफ नज़ारा, ठीक है पूरा नहीं कर रहे हैं। ये बबलू और ये अखिलेश, मतलब बहुत मतलब हम लोग को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, ठीक है थैंक यू। ये गेट खुलेगा, हम लोग इस गेट में से जाएंगे, बहुत ही तो चलिए बबलू थोड़ा हमको भी संभाल लेना। तो बबलू है अपना, ठीक है तो आगे हम लोग इसमें बैठेंगे भाई। ये बहुत ही नीचे अंडरग्राउंड, समझ रहे ना, पता नहीं कितना नीचे हम लोग आई हुई है, जस्ट हम लोग यहाँ पकड़ेंगे एंट्री करेंगे और वहाँ पे सकूर को पकड़ेंगे क्योंकि भाई मेरा वही भी वेट कर रहा है, अंकेश भाई के हम लोग पास जाएंगे तो उनको भी वही जल्द करेंगे, ठीक है बबलू रुको साथ में चलते हैं। पता नहीं, देखते भाई देखो सबसे फास्ट निकलते हैं वही, 2 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकता है घंटी साथ में, ठीक है थैंक यू। यही पिंक लाइन है, यहाँ से लोग नीचे आएंगे, ठीक है। कहाँ पे 20 फीट नीचे है, कहाँ लिखा हुआ है? ले बबलू तू भी ले, तो बबलू आगे तू रह रहा है, चलो लाइन में हम लोग आगे लाइन, ठीक है साथ में, वो तो आगे बढ़ गया है, पिंक लाइन है ना ये, देखना वो पिंक लाइन है भाई, ये थोड़ा सा आगे चलना है, थोड़ा सा क्वालिटी दिखा दो, क्वालिटी थोड़ा सा दिखा दे, क्वालिटी देखा। अब देख लो भाई क्वालिटी, हम लोग सब सुखपुर जा रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली का क्वालिटी सारा का, यही हमको हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब अखिलेश को आप साथ में लाइए, इसको मालूम है तो जल्दी जल्दी आगे भाग रहे हैं हम लोग।
अब गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ओपन होगा, ये सेंसर लगा हुआ है। तो मैं चल रहा हूँ, बबलू तुम रुकेगा वहीं पे, आओ आओ इधर चलना है बबलू यहाँ पे। मतलब विजिट करेगा तो आप मतलब थोड़ा बोल दिया मिसलीड भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा किसी को साथ में और ऐप में अच्छा से एरिया भी सेंसिटिव एरिया देखिए सेंसिटिव एरिया समझ रहे ना थोड़ा, और बबलू साथ में तो हमको गाइड कर रहा है। ठीक है बबलू, थैंक यू, एंजॉय करते जाते हैं। धन्यवाद। हाँ बबलू लाइट इसमें कटा, ये मैप है मैप के और ये ओपन है, जैसे रुके अपने दरवाजा खुल गया और जिनको बाहर निकला, हम लोग बाहर निकला है और तेरुनाग गोरिल्ले के बाद ऊपर लिखा हुआ सब बबलू भी आ गया साथ में, हम निकलेंगे साइड में थोड़ी दूर में आ जाएंगे। थैंक यू। मेट्रो आ गई, हम लोग मेट्रो में एंट्री करेंगे, ये मेट्रो में एंट्री करेंगे, देख रहे हैं ना, ये मेट्रो आ गई, हम लोग जाएंगे। एड्रेस बताना कौन सा एड्रेस था, हम लोग सुखपुर जाएंगे। ठीक है अंदर कर रहे हैं भाई, कहीं सीट बन जाओगे। थैंक यू भाई, फर्स्ट टाइम में थोड़ा ट्रेवलिंग करने में दिक्कत होती है, तो अप एंड डाउन हम लोग जा रहे हैं, तो चल रहे हम लोग गेट में दो नंबर अंदर निकलेंगे। ठीक है चल बाबू, तो मैं हम लोग अंडरग्राउंड में समझ रहे हैं ना दिल्ली में, हाँ मतलब धरती के अंदर मेट्रो में है, मतलब बहुत ही माय गॉड, तो ऊपर आ गए हम लोग अंदर, चलिए सब चीज़ दिख रहे हैं ना बहुत, गेट नंबर दो पे हम पास में जा रहे हैं, कैसा रहा वो बबलू भी है साथ में, गेट नंबर दो के पास में जा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन, मेरी गेट के सामने में यहाँ पे एग्जिस्ट करूँगा। हाँ वहाँ वायलेंस में रहा, जाती है सुपुर कोर्ट, वो बाहर में निकल रहा हूँ। ठीक है बंद मत होना थोड़ा दिक्कत है, फिर वो बाहर निकल गया। देख रहे ना आप लोग, आप लोग को लगेगा कि अब मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, स्पेशल में इंडिया में हूँ, रेड फोर्ट के पास में ही हूँ, और कौन सा जगह चांदनी चौक है, और वहाँ पे कब्जा कर लिए हैं मतलब वहाँ पे, और बोल रहे हैं कि आप मत बनाओ वीडियो, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो उसके कब्जा कर लेने से कोई होगा, एक दिन योगी जी का बुलडोजर चलेगा, खत्म हो जाएगा इनका भी खालसा, और तो बनाने दे पब्लिक प्लेस है तो भाई बनाने दो, बुलडोजर चलवा दिए एक दिन खत्म। ठीक है ठीक है, तो मैं चांदनी चौक की चाइना जा रहा हूँ, सॉरी चांदनी चौक जा रहा हूँ। ठीक है थैंक यू। अपना लाल किला, लाल किला पीछे है, लाइट नहीं है थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा, साफ आपको दिखा, तो दिल्ली से हो सकते एक दिल्ली लेकर हम और बहुत सारे घूम रहे हैं, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड वाले। ठीक है बाबू चलते हैं। दिख नहीं रहा, पता नहीं इसका साइड में हरा भरा सब, बहुत ही पब्लिक है, जाने का रास्ता भी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही देख लेंगे फोटो वोटो में काम चल जाएंगे भाई, इतना मतलब भीड़ समझ रहा है ना, तीनों आदमी उसमें हम लोग का 30 बार खान हो जाएंगे। ठीक है शहीद होने के लिए हम नहीं आए हम भाई, हम केवल स्टार और फिल्मी सेलिब्रिटी और कोई नेता होता को देखने नहीं आए, हम केवल आए थे ताजमहल देखने आए, लाल किला और जामा मस्जिद देख लिए, जामा मस्जिद ये देख लिए, और कुछ नहीं चाहिए, मतलब जामा मस्जिद में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, अगर मेरा रेड फोर्ट में टारगेट था तो वहाँ से इसका है कि अंदर जाएंगे वहाँ पे, जाओ भाई करेंगे भाई, हम लोग मान लो कोई सही हो गया हाँ, कहीं स्टैम्पेड हुआ, हम लोग उधर रोने गए तो हम लोग उधर फंस गएंगे, इसलिए अखिलेश जाएगा अंदर, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, अखिलेश का नहीं जाएंगे,
আর ইয়ার হোনে রাখাতে রে दिल्ली में इतना सब जनता भरी हुई है। कहाँ है ये देखिए, इसमें पुलिस बल भी तैनात हुए हैं, सीआरपीएफ सीआरपीएफ सब अंदर, मतलब कंगना रावत भी आए हुए हैं, बहुत सारा चीफ है कांग्रेस नारे मैं टूट जाएगा तुम मत देखो। अरे अभी ये मतलब लाल किले के बाहर के रोड का कंडीशन है, मतलब सेकेंड ये फर्स्ट लेन है, सेकेंड लेन में इधर गाड़ी भी पूरा जाम हुआ था, आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, मतलब इतना भाई सिचुएशन। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कैमरामैन टुनटुन के साथ में, आप लोग कितना भीड़ है पब्लिक में समझ रहे हैं ना, मतलब इतना लोग के ऊपर हम कैसे है कुछ समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब इतना काम करना पड़ता है। थोड़ा लाइक वो काम करते रहिए, जो दिखाते रहूँ आप लोग को कैमरामैन, और कैमरामैन के साथ में पब्लू अभी आया हूँ दिल्ली, अभी मतलब एक इस पर जो वीडियो देखा था ना, ऐसा है कि मतलब कहाँ नहीं जा सकते, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी ही आप लोग कोई दिखा सकता है कैमरा मैन, यहाँ तक न्यूज चैनल में भी कहीं नहीं मिलेगा इतना भीड़। कैमरा मैन के साथ में आप लोग बने रहिए। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का यहाँ जो उधर पब्लिक में जो पेडेस्ट्रियन लाइन में उधर भी भरी हुई खचाखच, और इधर पूरा गाड़ी भी भरी हुई, समझ रहे हैं ना, जो दिल्ली का ये रूट है देख लीजिए पूरा भरी हुई है, मतलब टू लेन है जो उधर फर्स्ट वाला लेन जो भरी हुई है, और इधर जो गाड़ी गाड़ी पूरा गाड़ी सब आज दशहरा का जो राउन का डबल होगा उसी दिन का है, समझ रहे हैं पूरा भरी हुई है, बहुत दूर जो चार पाँच किलोमीटर तक दिख ही नहीं रहा है कुछ भी ना, पब्लिक दिख मतलब पब्लिक से ज़्यादा रोड खाली मिल रहा है ना गाड़ी, भाई पूरा भीड़ है गाड़ी, समझ रहे देख रहे हैं ना पूरा गाड़ी लगी हुई है, मतलब भीड़ में भीड़ है गाड़ी है गाड़ी भीड़ ही भीड़ है पूरा ही। और इधर थोड़ा बहुत तुम लोग आए चला, इधर खाली दिख रहा है, घुसने की कोशिश करेंगे आगे तो जा सकते भाई, हम लोग अननोन है। हाँ हाँ चलो साइड में देख रहे हैं, पीछे देख लीजिए भीड़ देख रहे हैं आप, जो ये भीड़ देख रहे हैं ना ये सब अभी रोड पर पब्लिक है, मतलब अंदर लाल किले में अंदर प्रवेश नहीं किए, मतलब जाने के लिए देख रहे हैं उधर झुलुआ है, ये फिरंगी वहाँ भी जो हम लोग जिससे बात करें जो न्यूजीलैंड था वही वही जा रहा है दोनों वहाँ पे, वो साइड में दोनों जा रहा है फिरंगी, लाल किला देख लीजिए साइड में ये वाला जो मैं जिस एरिया पूरा गाड़ी है पीछे का भी दिखा दूँ भाई पूरा गाड़ी है। चलो
बबलू यहाँ पे पानी पूछना बबलू क्या है छोले भटूरे बबलू खा रहे हैं हम लोग तो उधर बिरयानी खाए हैं तो इसके बाद हम अंदर भैया से परमिशन लिया हूँ क्योंकि कोई दुकान वाले बोल रहे हैं कि मत बनाओ तो हमको यहाँ ये भी बड़ा मतलब आज बहुत ही भीड़ है समझ रहे हैं दिखने में पूरा इधर नाइट है मतलब लाइट भी ऐसे साफ में दिखना मतलब इतना साफ में बोल रहे हैं देख रहे हैं ना और पता नहीं अखिलेश कहाँ बैठा है कहीं बैठा है अखिलेश वहाँ पीछे साइड में अखिलेश बैठा है वहाँ पीछे बैठा है देख रहे हैं कहाँ पे ठीक है उसको सीक्रेट भी ला दीजिए जल्दी करो देख रहे हैं चलो बबलू यहाँ ये वाला फूड बहुत फेमस है इधर का दूसरा जगह चाचा का ये फ्रूट है मतलब 10 का है हम लोग लेंगे जस्ट यहाँ पे लाल किले के सामने ही चाचा का दुकान है देख रहे हैं आप सामने ही इनका दुकान है एंट्री हो रहा अब हम लोग चलेंगे एक और जगह चाचा कौन कौन सा फ्रूट इसमें लगा हुआ है मिला हुआ है अरे बताइए ना तो आप भीड़ तो बहुत है भीड़ बहुत है अभी दिल्ली की सड़कों पे यहाँ तो पुलिस प्रोटेक्शन बहुत सारा है समझ रहे हैं अखिलेश भी है भाई बहुत भीड़ है हो रहा लाल किला फिर कोई अच्छा सही था तो फेमस जो फूड होगा खाया जाएगा हो रहे आलिम भाई और टी शर्ट भी यहाँ पर मतलब 150-400 समझ रहे ना जो 150-400 अपने एरिया में एक दो 300 मीटर ठीक है हम बबलू लेकर और वहाँ पर बहुत ही मतलब सस्ते हैं चश्मा अपने कौन लगाना है पूछ लो जाओ 150 ठीक है थैंक यू अच्छा चश्मा भी मतलब चश्मा भी ठीक ठाक है और भी कुछ खाने के लिए बहुत ही अच्छा और ये दिक्कत संतरा है भाई अच्छा क्वालिटी का बबलू थोड़ा प्रोटेक्शन में मेरा रहना है तो कोई मेरा मोबाइल हड़प लेगा ठीक है और यहाँ पे सिक्योरिटी चाचा हमारे ठीक है और यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी में पुलिस भी रहता है भाभी ना लोकेशन मांगता है लोकेशन शेयर मांगता रही ज्यादा कोई तो बकचोदी मत बतिया कोई तो लाल किला मानी अनिल वो बाहर हम लोग निकल रहे जा रहे हैं फिर हम रेड फोर्ट जो सामने ही है वो बबलू हमको प्रोटेक्शन दे रहा है बबलू हाँ वो एक मेरे पास बैग था टांगने वाला आ तो वही जो गो 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 फास्ट फास्ट वो चाचा के पास तो वही तेरे ने बुला दिया भाई देख मेरा चिड़िया देख मैं जा रहा हूँ देखते हैं बाबा देते हैं कि नहीं जल्दी चल जो मेरा खाने वाले देख चल बबलू जाओ जल्दी बैग मेरा छूटा है जा तो रात में बिरयानी खा रहे थे देखते हैं मिल जाएगी मिल जाना चाहिए भाई बैग छूट गया आगे से वही पे मिल गया ये पानी कैसे खाते हैं अरे पीते खाते हैं जामा मस्जिद में सामने फर्स्ट टाइम
तो यहाँ का जो राजा बनाते हैं मतलब बहुत फेमस है। एक गोपालगंज का राजा का नाम उसका कारण वो भी खाता है राजा का, वही पे आ रहे हैं इसीलिए बबलू नहीं खा रहा है बिरयानी है जो कि जम्मा मस्जिद के पास हम खड़े हैं। जम्मा मस्जिद के पास सामने में जम्मा मस्जिद है, थोड़ा बहुत पीछे जम्मा मस्जिद है, यहाँ बहुत सारा है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्टूल भी मिल रहा है सस्ते सस्ते। देखिए ये चुनचुन मिला है क्या, इतना जल्दी जल्दी खा रहा है। दूसरा जामा मस्जिद है देख रहे हैं ना, जामा मस्जिद के पीछे आइए थोड़ा हीट हो रहा है। पानी मैंने मेरा पेट भरा हुआ है इसीलिए ये तुम खा लो। बबलू का पेट भरा हुआ है तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट देखते हैं कैसा क्वालिटी रहा। गजब का क्वालिटी है, बहुत एकदम अच्छा क्वालिटी है। क्या नाम है आपका? राजा कुछ देखते हैं मतलब अच्छा क्वालिटी है, ठीक है बहुत ही थैंक यू। हम लोग जामा मस्जिद के पास में बिरयानी खा रहे हैं। अखिलेश तुम ले चलो भाई, चलो अखिलेश कहाँ कर रहा है रे अखिलेश? हम जा रहे नहीं है तो हमारे में ही तुम जुट जाओ, हमारे में ही तुम बंद कर। हम ये कर, हमारा मोबाइल की सिक्योरिटी में तू रहेगा, देखते रहेगा हमारे मोबाइल को, देख फोन करना। चलो देख रहा हूँ, हमारे मोबाइल को ध्यान देगा तू, और छीने उने का तो तुम ध्यान देगा। अखिलेश
ये रहा जामा मस्जिद। छोड़ दे बेचारा। ये रहा कैसा रहा दोस्तों, अब देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कपल भी आते हैं, तो हम लोग सौ खिलाउंडे तीन आदमी आए हैं ना जी। तो कितना मजा आया जी हम लोग नेपाली वाली से और न्यूजीलैंड से बात करने आए हैं। ये सब फोर्स भी आना हो बबलू को बुलाओ, बबलू बबलू के साथ ही आओ दोस्त। हम मणिपाल के नेपाल के, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, तो वीडियो में पूरा आप लोग को दिखाऊंगा छोटा छोटा क्लिप में, तो ये देख लीजिए जामा मस्जिद। जिसको भी आना हो बिहार से बबलू से संपर्क करें, मतलब बिना टिकट में भी आप लोग आ सकते हैं, हम लोग कार्ड लिखा सकते हैं विदाउट टिकट दिल्ली में। मैं बता दूंगा कैसे, कोर्सेस से आप लोग को बता देंगे, जैसे उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे पाकिस्तान में कैसे एंट्री मारते हैं। हां बहुत सारा यहां पे क्राउड एरिया मतलब एरिया लगा है, और थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, नमाज का टाइम हो गया, तो ऊपर से आप लोग को दिखाते हैं पूरा दिल्ली कैसा रहा, दिल्ली का कैसा चला जाए। तो चलिए बबलू चलते हैं, चलो चलिए। यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह हो रहा है, दिखाइए पार्टी वार्टी हो रहा है। छोड़ो हम लोग कार में, हम लोग तो सब लौंडे हैं, जाकिर भाई के चेले हैं। बाबू ये क्या है, ये सब दाना है जो चिड़िया वगैरह चिड़िया के दाना खिलाने के लिए। यहाँ पे नमाज के लिए वजू बनाते हैं हम लोग, देख रहे हैं ना। तो चलिए मैं वजू बना रहा हूँ अभी, नमाज में नमाज पढ़ लूँगा अभी। तो नमाज हमको पढ़ना भी आता है, कायदा भी आता है, और कलमा हमको तीन फो याद है बस। तो मेरे हाफी जी थे कनपुरा के अब्बास सर, उनका डेथ हो गया कोरोना वायरस में, नहीं तो बहुत सारा मैं पढ़ लेता, इसके लिए हमें रिग्रेट है। तो चलिए मैं आज वजू बनाता हूँ यहाँ पे, और नमाज के लिए वहाँ पर तो वो वीडियो बनाना आप पहले। थैंक यू। ये रहा प्यारा सा जामा मस्जिद, जहाँ पे वजू बनाया जाता है, वही उसी के पास में किसी का। ठीक है तो मैं नीचे कैसे लेना पड़ा। थैंक यू। तो अब मैं बाहर चल रहा हूँ नीचे की तरफ से मार्केट में थोड़ा सा। ये पीछे ही मस्जिद है, देख रहे हैं ना, बहुत ही बड़ा मस्जिद है, तो पता नहीं कैसा मस्जिद है, बड़ा पता नहीं कब का बना हुआ है। तो चलिए मैं चलता हूँ, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है। चलिए चलते हैं, कैमरा को बंद कर रहा हूँ भाई, मार्केट में बहुत दिक्कत है। थैंक यू। यहाँ पर भी फिरंगी है, तो सोचेंगे इससे भी बात करेंगे, वैसे तो मैं वो बात करना नहीं फिरंगियों से। और ये छोटी देख लियो, बहुत ही अच्छा है स्मार्ट, मगर वो लग रहा है इंडियन ही है।
तो फिरंगी यहाँ पे आते रहते हैं। तो वहाँ भी हम चलेंगे, उनसे बात करते हैं थोड़ा बहुत कैसा रहेगा फीलिंग। दूसरे वीडियो में चलेंगे, हिंदी में ही पूरा बात होगा। दूसरे वीडियो में अदर कंट्री से मिलते हैं। तो मगर ये दिक्कत है कि यहाँ पे जामा, आई डोंट नो अबाउट मोर देन जामा मस्जिद, सो आई नाम आई नॉट आस्किंग मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस मस्जिद। थैंक यू। ये अंदर का सीन है, अभी नमाज वो लोग पढ़ रहे हैं तो हम तो नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं अभी पाठ साथ समझ रहे हैं। और अब ऊपर में मैं आप लोग जाऊँगा दिखाऊंगा। तो देख रहे हैं हम जामा मस्जिद के अंदर है, फ्रंट का दिखा दो जाके, फ्रंट के दिखाएंगे, रुक जाओ पहले पीछे के दिखा दो बैकग्राउंड। यहाँ से ये लोग नीचे हैं, बस हम ही लोग अलाउ है, समझ रहे हैं ना, मतलब किन को अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग का अलाउ है, मतलब हम लोग अलाउ नहीं, बस स्पेशल हम लोग उधर बात किए थोड़ा बहुत पूरा भारतवर्ष में देख रहे हैं ना बाहर ये लोग, हम यहाँ पे साइड में, तो अंदर भी आपको दिखा दूंगा। तो ठीक है, तो ये एक ग्रुप है जो अभी सभी लोग सेल्फी कर रहे हैं। ना बबलू जो, अरे यार मत जो, तो हम यहाँ भी एक देख सकते हैं सबका एक एक। टू फॉरेनर्स आर हियर बिहाइंड मी, ये दो फॉरेनर है, कैमरा भी नहीं हुआ समझ रहे ना, तो ये लोग अपना कुछ बनाएंगे। वो फॉरेनरों को ज़्यादा मैं इसलिए प्रीफर करता हूँ कि थोड़ा बहुत फिरंगी रहते हैं, तो मतलब सभी मोदी जी का इट्स अ ग्रेस ऑफ मोदी जी दैट अट्रैक्ट फॉरेनर्स। बहुत सारे फॉरेनर ये तो जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद के बाद से हम जाएंगे। और ये एक दादा है वो खिंचवा रहे हैं अपना यहाँ से, ठीक है दादा अपना फोटो खिंचवा रहे यहाँ पर आते रहते हैं थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया अरे साला खराब हो तुम ना मोबाइल इधर तो ये रहा जामा मस्जिद, तो यहाँ पे वजू बना रहे हैं समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं वहाँ पे सभी लोग वजू बना रहे हैं नमाज के लिए। Yeah.
छोटू इधर देखो तो अब इधर खाली है। यहाँ देखो अब तो इधर खाली है। यहाँ पे आ सॉरी, ये जामा मस्जिद है, मैं जामा मस्जिद में आया हुआ हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। ये जामा मस्जिद है, बहुत ही मतलब एंशियन से मोनुमेंट है, वो बहुत ही विशाल है। ये रहा जामा मस्जिद भाई, बहुत ही बड़ी इमारत है, समझ रहे हैं ना। तो दिखाऊंगा आप लोग के यहाँ का नज़ारा। बबलू को कैमरा यहाँ का मतलब बबलू को कैमरा बनाने की परमिशन मिला है, तो यहाँ पे बबलू कैमरा बना रहा है। चलो बबलू का तो ये फैमिली वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। तो चलिए फाइनल ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे डब्लू डब्लू ने लेकर हमको आया है लाल किला के पास में, और धूप तो बहुत है देख रहे हैं। चलिए पीछे जाओ, जो गोरे होते हैं वही यहाँ पे आए हुए, तो ये भी वेटिंग कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, बहुत ही स्पेशल फोर्स है। अभी ये अभी लाल किले में अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो कुछ फिरंगी भी आए हुए हैं वहाँ पे साइड में सब है, वही दिक्कत नहीं। तो बाद में हम इससे बात करेंगे, तो जब इन लोग को जब अभी बाहर जा रहे हैं साइड में, तो उधर जाएंगे लोग से बात करेंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पे हूँ, आप लोग गेस करके बताइए। तो पीछे साइड आप लोग को रेड फोर्ट दिख रहा होगा, ये इंडिया ही अपना ही है, समझ रहे हैं ना, मैं कोई फॉरेन कंट्री में नहीं हूँ, इंडिया में ही हूँ। तो आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। और देखिए हमारे फ्रेंड अखिलेश यादव यूपी के CM, पीछे आप लोग को दिख रहा है रेड फोर्ट। और अरे कितने का? 50 का है। हाँ, ये रहा बरेली। अब आप लोग पीछे का व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ये गोरखपुर बहुत ही लंबा प्लेटफॉर्म है, कम से कम 10 मिनट। बबलू
डब्लू इसको डब्लू से सूचित किया जाता है, बब्लू को डब्लू, और मेरा नाम तो कुछ नहीं है। कैमरा और इस साइड में देख सकते हैं कि मालगाड़ी लगा हुआ है।